भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि बुरे कर्म मत करो वरना पछताओगे। और इसी जन्म में भगवान शंकर हाथों हाथ दिखाते हैं, अगले जन्म का इंतजार मत करो आप। वो तो कह रहे हैं कि तू प्रपंच में मत पड़, तू झूठ मत बोल, तू छल मत कर, तू कपट मत कर, तू बस मेरा नाम ले, तू मेरे सहारे रहेगा तो मैं तेरा जीवन सुधार दूंगा, बस तू मेरे सहारे रहे। लेकिन हम उनके सहारे नहीं रहते, हम किसके सहारे रहते हैं? दुनिया वालों के सहारे रहते हैं। किसी की अगर कुछ मुसीबत आ जाए या तबीयत भी खराब हो जाए तो पहले दुनिया के चक्कर लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे। जब डॉक्टर कह देता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तब भगवान की याद आती है। सही बात है कि गलत है? पहले तो किस कौन याद आता है? पहले रिश्तेदार याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, उसके बाद कौन याद आता है? डॉक्टर। और डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दे उसके बाद याद आते हैं हमें महादेव, कि अब भगवान ही सहारा है, वही हमें बचा सकते हैं। और ये आपके कर्म महाराज आपको भोगने ही पड़ते हैं। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में लिखा है कि आप जो कर्म करते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है तब हजारों बिच्छू आपको डसे, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है। तो शिव महापुराण कहती है कि वो तकलीफ बिच्छुओं की नहीं है, वो तकलीफ उनके कर्मों की है कि उन्होंने क्या कर्म किए हैं। कल भी मैंने कहा आपको कि जो व्यक्ति कर्म करता है तो अंत समय में उसी कर्मों की कैसेट भगवान चलाते हैं कि देख तूने क्या क्या किया, इसलिए तू ये चीजें भोग रहा है। हम जो करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। और जब प्राण छूटते हैं तब पूरी सीढ़ी चलती है कि देख लो महाराज क्या है और क्या नहीं। एक सेठ जी थे महाराज, बहुत धन था उनके पास, बहुत धन, सबको उधार देते थे। किसी के विवाह है तो भाई आ जाओ ले जाओ, या किसी के कुछ तकलीफ है कि सेठ जी धन उधार चाहिए, किसी को मना नहीं करते, किसी को भी कभी भी मना नहीं करते थे, सबको उधार देते थे। तो एक चोर को पता चल गया कि इन सेठ जी के पास इतना धन है कि ये सबको उधार देते हैं। क्या करते हैं? उधार देते हैं। तो वो कहता है कि मैं भी उधार लेने के बहाने जाऊंगा और इनकी तिजोरी देखकर आ जाऊंगा और जितना भी धन है सब एक बार में ले जाऊंगा तो पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। बोले इतना धन ले जाऊंगा तो। तो महाराज चोर गया सेठ जी के पास, और सेठ जी का एक नियम था कि वो उधार देते तो एक कोरे कागज पर ऐसे अंगूठा लगवा लेते और बुलवाते थे कि या जन्म में दोगे कि वाह जन्म में दोगे। क्या बोलते थे? कि या जन्म में दोगे कि वाह जन्म में दोगे। तब कोई महाराज ईमानदार होता था तो वो कहता था कि या जन्म में ही दे देंगे। उन सेठ जी का ये नहीं है कि वाह जन्म में दोगे तो मैं तुमको नहीं दूंगा, तब भी वो पैसे देते उधार। तो कोई महाराज चतुर होता तो वो कहते कि वाह जन्म में देंगे, कौन देख रहा है कि जन्म होगा कि नहीं होगा। अब वो चोर गया कि सेठ जी मेरे बेटे का विवाह है, मेरे यहाँ शादी है, मुझे थोड़ा धन चाहिए, मुझे थोड़े उधार पैसे चाहिए। तब सेठ जी ने कहा, मुनिम को बुलाया कि भाई जा और इसको वो धन, जितने पैसे ये मांग रहा है इतने पैसे इसको तिजोरी में से दे दे। अब वो तिजोरी उस चोर ने देख ली महाराज और पैसे लिए, और वहीं सेठ जी का एक महाराज तबेला, भैंसों का तबेला बना हुआ था, उस तबेले में जाकर वो चोर बैठ गया कि रात में जाकर चोरी कर लूंगा। वहां भैंसे बंधी हुई थी कई, किसी को 8 साल वहीं सेठ जी के यहाँ हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, और एक भैंस को 20-22 साल हो गए। तो एक भैंस दूसरी भैंस से कहती कि जीजी अपन यहाँ क्यों है रे, अपन क्यों इस सेठ के यहाँ दूध दे रहे हैं, कि हम यहाँ इस सेठ के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं। तो वो बूढ़ी भैंस कहती ये सेठ बड़ा चतुर है, ये पहले लिखवाता है कि आ जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे, और जो इस जन्म में नहीं दे पाता
वो उस जन्म में भैंस बनकर दूध देना पड़ता है और उसका कर्जा उतारना पड़ता है। तो हम सब यहाँ कर्जा उतार रहे हैं। भैंसों की बात सुनकर वो चोर वहां से भाग जाता है वहां। तो ये कर्म का भोग है, आपको भोगना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म के बिना तो सब कुछ बेकार है। किसी ज्योतिष को दिखाओगे बहुत धन है, खजाना है आपके किस्मत में, तो पर खजाना चल के थोड़ी आएगा, काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। खेत में जब तक अन्न नहीं डालोगे क्या वो पृथ्वी माता धान देगी? नहीं देगी। ऐसे ही हमारे कर्म है, जब तक वो आप नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। और महाराज शिव महापुराण के उमा खंड में एक बहुत अच्छी बात आती है कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है बताओ? सबसे ज्यादा नरक में प्रसाद बांटने वाला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि प्रसाद कहाँ बंटता है? कोई जुआ खेलते हैं तो प्रसाद नहीं बंटता, कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो प्रसाद नहीं बंटता, कहीं कोई पार्टी चलती है तो प्रसाद नहीं बंटता है। प्रसाद कहाँ बंटता है? कोई जन्मदिन होता है तो प्रसाद बांटते हैं क्या? नहीं बांटते। प्रसाद धर्म की जगह बंटता है, प्रसाद मंदिर में बंटता है, प्रसाद कथाओं में बंटता है, प्रसाद भगवान के नाम से बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला अगर धर्म की जगह खड़ा रहकर कोई अपना वाला आया तो उसका हाथ ऐसे चलता है, और कोई पराया आया तो हाथ ऐसे चलता है। तो जो धर्म की जगह खड़ा रहकर प्रपंच करता है, कपट करता है, भेद करता है, भगवान शंकर को तो क्या पसंद है? सत्य पसंद है। कोई धर्म की जगह खड़ा रहकर भेद करता है तो वो नरक में जाता है। और यहाँ धर्म की जगह खड़े रहकर तो करना ही नहीं है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो साधु संत है, मठाधीश पीठाधीश श्री श्री 108 श्री, तो वो कुछ लेकर भी जाते हैं ना, अपन तो हाथ लगा देते और साइड कर देते हैं कि आप बांट लो, हम क्यों नरक जाए बांट के? वही तुम बांटो तुम्हारे हिसाब से। तो जो प्रसाद बांटते हैं उनसे भैया निवेदन कि कभी आपकी पत्नी भी आकर आंख दिखाए कि ज्यादा दो तो कह देना भाई घर दूसरा ले आऊंगा, अभी नरक चले जाऊंगा, या नहीं कि घर पे दूसरा ले आऊंगा तेरे पर, या नहीं दे सकता मैं, सबको बराबर एक समान रखो। भगवान शंकर कहाँ विराजमान है? शमशान में, जहाँ सबकी शान सम होती है। क्या होती है? सबकी शान सम है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। करोड़पति भी जाएगा तो लकड़ियों से जल रहा है, और गरीब भी जाएगा तो लकड़ियों से जल रहा है। भगवान शंकर को यही पसंद है, भेदभाव नहीं करना, हमेशा सत्य सत्यमय आपका जीवन हो।